तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं, तो वो बोले जरूर कीजिए। उन्होंने जरा भी मतलब कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि मैं जल्दी में हूं या नहीं, अभी नहीं बाद में आइएगा। तो उन्होंने मेरी सारी क्वेरीज का आंसर किया। मैंने जो जो पूछा कॉलेज की एफिलिएशन के बारे में सारा होने के बाद फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। तो वो बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोले मैं भी कॉलेज का फादर हूँ लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया है और मैं अभी बीएड कॉलेज टेलको में जा रहा हूँ, तो यहाँ दूसरे फादर आएंगे। तो इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। लास्ट 5 ईयर से मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ। जब बड़ी बेटी का एडमिशन हो गया तो मैं हर विजिट में महीने में एक चक्कर मेरा जरूर लगता है, या बेटी को लेने आता हूँ या ड्रॉप करने आता हूँ, तो हर विजिट में यहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखती है। कभी मैदान बन रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं, पोल लग रहे हैं, गैलरी बन रही है, ये MBA ब्लॉक बन रहा है, कच्ची रोड थी पक्की रोड बन रही है, तो खुशी होती है देख करके। और ये जो हमारा इम्पैक्ट ऑफ अर्बन विल्डरनेस है, देखता हूँ उसके साथ इन लोग सामंजस्य बना के चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करके बहुत अच्छे तरीके से डिवेलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है सैटरडे को, तो हम लोग तो इस तरह की एक्टिविटीज हमारे जमाने में थे नहीं। मैं कोऑपरेटिव कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं बेटी से पूछता था सैटरडे को फ़ोन करके, वो हॉस्टल में रहती थी, बेटा आज क्या हुआ, तो बताती थी आज फेस पेंटिंग हुआ, आज कुछ इवेंट था उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज डांस प्रैक्टिस किए। एक दिन बोली कि सॉफ्ट स्किल की क्लास हुई है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि कौन सर क्लास ले रहे थे, बोले XLRI से कोई आए थे। तो ये बातें बहुत प्रभावित करती है। बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ों को सीखिए, आज की ज़िंदगी में आगे ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमारे पास इन सब स्किल्स की कमी है। हम जब किसी बात को रखते हैं तो एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े से आर्गुमेंट ऐसे ढंग से करते हैं कि उसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो अगर आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो वही बात बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि XLRI में यहाँ के बच्चों को जाने का अवसर मिलता है, जो वहाँ सेमिनार होते हैं वो बड़े आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, वो चाहे माइक्रो इकोनॉमी हो, वाइट रिवोल्यूशन हो, या आज के संदर्भ में मीडिया का रोल, ये सारी चीज़ें आपको आज के जो हालात हैं उससे अवगत कराती हैं। तो मैं बेटी से कभी कभी पूछता था कि आपको कुछ समझ में आया, तो बोलती थी हाँ थोड़ा, बच्चा तो ऐसे ही बोलता है, हाँ थोड़ा समझ में आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, नई भी बात समझ में आई, अगर आप 10 वर्ड्स भी यहाँ से सीख के चले जाते हैं तो ये बातें आपको दूसरे कॉलेज से आगे रखेंगी। ऐसी फैसिलिटी और कहीं भी नहीं है कि जो शहर के दिग्गज लोग हैं, कॉरपोरेट के दिग्गज लोग हैं, XLRI के स्टूडेंट हैं, उनके साथ बैठ करके आप इस तरह की समस्याओं या सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से भी, कि और भी लोगों को यहाँ लाएं और एडमिशन कराएं। ये सारी चीज़ें यहाँ से ही मिल सकती है और ये जमशेदपुर में किसी कॉलेज में नहीं है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ से जब मेरी बेटी गई पुणे BIMM में, उसमें एडमिशन लिया, तो तब पता चला कि उसमें क्या मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, उसका विकास कैसा हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी हुई है। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन में उसने पार्टिसिपेट किया, करीब 700-800 लोगों की गैदरिंग्स थी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की, उसमें उसने फर्स्ट डे पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि लगा कि नहीं, मैंने XITE में एडमिशन करवा के कोई गलती नहीं की थी। और दूसरी चीज़, जब मैं फीस देने के लिए IDBI बैंक गया तो वहाँ कैश काउंटर पे एक लड़की बैठी थी, उसको जैसे मैंने फी बुक दी तो वो मेरी तरफ, उसके आंखों में एक चमक आ गई, वो मेरी तरफ देखी और मुस्कुराई और मुंह नीचे करके फी बुक को अलटने पलटने लगी। तो मुझे लगने लगा कि ये मुझे कैसे जानती है, ये कौन है, ये क्यों मुस्कुराई। नेचुरली इस तरह के सवाल आते हैं, मैं क्यों नहीं जान रहा हूँ। तभी वो बोली कि मैं भी XITE की ही स्टूडेंट हूँ। तो जो पहला बैच था 2003 या कब स्टार्ट हुआ था, बोली मैं पहले बैच की स्टूडेंट हूँ। तो बोली उस समय जो नया इंस्टीट्यूशन जब चलता है बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो सब बोलने लगी। मैंने बोला कि आप अभी जाइए और कॉलेज विजिट करके आइए, आपको खुशी होगी कि आज वो कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके आइए। तो ये सारी बातें कॉलेज के हक में हैं। और ये जो आज का
theme है the impact of urban wilderness. ये सारी चीजें हम लोगों को भी नहीं पता होती, जैसे last year change and transformation थी, तो ये यहाँ से आने के बाद हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. तो मैंने भी थोड़ा बहुत गूगल में से सर्च किया ये क्या है. तो अर्बन विल्डरनेस हमारे घर के दरवाजे से शुरू होता है. हम जैसे दरवाजा खोल करके निकलते हैं तो ये, हालांकि एक अलग बात है कि हम उस पर नोटिस नहीं करते हैं, ये ऐसा एक शहरी इलाका है जहां ना विकास हुआ है ना खेती बाड़ी होती है. तो अभी ये न्यू अर्बनिज्म का यही एक टॉपिक है कि हम शहर में ही नेचर को एक्सपीरियंस करवाएं. ये जागरूकता पैदा करता है कि अर्बन स्पेस को दूसरे लिविंग बींग्स के साथ कैसे शेयर करें. ये बायोडाइवर्सिटी का समावेश है, एक बड़ी रेंज इस लोकल स्पीसीज, उसमें एनिमल्स भी है प्लांट्स भी है, उनको अर्बन स्पेस में शेयर करने की जगह होनी चाहिए. नहीं तो क्या होता है कि हम उनके इलाके में जा रहे हैं तो वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, या तो लुप्त हो रहे हैं जिस तरह की शहर की कंडीशन है. तो ये आज के समय की जरूरत है. इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जमशेदपुर. 2007 में जब शहर बसा था, आज तक टाटा स्टील बहुत अच्छा बैलेंस बना करके चल रही है. वो जितने घर बना रही है, फैक्ट्रीज बना रही है, पेड़ लगाती है, पौधे लगाती है, पार्क्स बनाती है. तो ये बाकी, लेकिन बहुत सारे शहरों में ये चीज़ नहीं है. तो ये है कुछ बातें जो बच्चों को सीखना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लोकल प्लांट्स हैं, स्पीसीज है, उनको भी अपने साथ फलने फूलने का मौका दे. अन्यथा के होता क्या है, जैसे अब कहीं पर तालाब है, कुछ है, हमने वहाँ कब्जा कर लिया, वहाँ हमने कुछ डेवलपमेंट बिल्डिंग बना दी तालाब को, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मच्छर हमारे घरों में आ गए, पहले वो वहीं रहते थे. तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे शहर देखे गए हैं जहां पशु पक्षी या बहुत सारे एनिमल्स जो जंगली थे वो शहरों में आ गए. लोगों को ताज्जुब होता है कि ये कैसे हो रहा है. अब बहुत सारे तो खत्म, एक एग्जांपल है जमशेदपुर में, जैसे अब गौरैया चिड़िया बहुत कम दिखती है. तो इसको बैलेंस करके चलना होगा. तो इतना ही कह के मैं समाप्ति करता हूँ. मुझे अवसर दिया गया, इसके लिए मैं रेवरेंड फादर प्रिंसिपल और डीन सर का फिर से धन्यवाद देता हूँ.